हेलो दोस्तों, अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई ही गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली गूगल एडसेंस का कोड अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉगर वेबसाइट पे नहीं पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको लगेगा यार मेरा एडसेंस क्यों बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप सीखोगे प्रॉपरली कैसे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल स्क्रैच से। मतलब सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, सो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी देखिए, बेसिकली मेरी एक साइट है bloggingskill.com और यहाँ से मैंने गूगल एडसेंस हटा दिया था। और ये जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ये बिजनेस साइट है और यहाँ पे कंटेंट जाता है और ब्लॉगिंग भी मतलब इस पर होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इस पर एडसेंस यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो इससे मैंने इसकी वजह से वहाँ से एडसेंस हटा दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना गूगल एडसेंस जो है ना वो यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो ये हमारा गूगल एडसेंस है और गूगल एडसेंस यहाँ पे मैंने अकाउंट बना रखा है लेकिन कोई भी साइट इसमें अभी डाली नहीं है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे साइट ऐड करके और अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट देखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो, अब देखो यहाँ पे जब आप लॉगिन अपना एडसेंस अकाउंट बना लेते हो तो तभी आपको ऐड साइट करने का ऑप्शन आ जाता है, या आप बाद में भी करते हो तो यहाँ पे साइट्स, यहाँ पे ऐड साइट का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे साइट्स में भी ऑप्शन आ जाएगा, साइट्स से भी आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे ऐड साइट का बटन दिखता है, इस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। और देख सकते हो ये बिल्कुल फ्रेश एडसेंस है, इसके अंदर कुछ भी अभी यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पहले से अप्रूव नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हम ऐड साइट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड साइट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही जब आप ऐड साइट पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस हम कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब सेव बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेट करेंगे। देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे और हम कुछ भी स्किप नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देखिए साइट जो है bloggingskill.com यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें अपनी साइट को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए साइट्स पे क्लिक कर देते हैं एक बार। और जब आप साइट्स पे क्लिक करेंगे, हमारी साइट तो ऐड कर दिया हमने, अब साइट्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है रिक्वायर्स रिव्यू। ठीक है, तो जब आप अपने साइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि ये जो हमारा कोड है ना, वेरीफिकेशन मेथड, आप कैसे यहाँ पे बेसिकली वेरीफाई करना चाहते हो। तो एडसेंस कोड स्निपेट यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे कोड जो है हम कॉपी करेंगे और अपने एडसेंस के अंदर हम डालेंगे। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी बटन पे क्लिक किया और हमारा कॉपी हो गया। अब आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट में हमने ऑलरेडी लॉगिन किया है। आप ब्लॉगर में हो तो ब्लॉगर में लॉगिन कर लेना और आपको अपने HTML कोड के अंदर हेड सेक्शन के नीचे आपको ये कोड पेस्ट कर देना है ब्लॉगर में। ठीक है, अब देखो वर्डप्रेस में क्या होता है कि बहुत से थीम लोग यूज करते हैं अलग अलग। अब जैसे मैं जनरेटप्रेस थीम यूज करता हूँ, तो जनरेटप्रेस थीम में क्या होता है ना, आपको बेसिकली यहाँ पे जो कोड मिला है ना, वो अपीयरेंस के अंदर एलिमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो एलिमेंट्स पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे हम हेड सेक्शन बना के वहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो बात है जनरेटप्रेस प्रीमियम का। अगर आप यहाँ पे कोई और थीम यूज करते हैं या जनरेटप्रेस का फ्री वाला यूज करते हैं तो भी अभी मैं आपको बताऊँगा, आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड न्यू एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे हुक। ठीक है, जब आप हुक सिलेक्ट करते हो और क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, अभी देखिए हेड ऑप्शन क्रिएट करने का पूरा ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एडसेंस कोड। ठीक है, और यहाँ पे जो कोड हमने पेस्ट किया था, कॉपी किया था सॉरी, वो पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे आना है, एग्जीक्यूट PHP पे क्लिक करना है, देन डिस्प्ले रूल्स पे क्लिक करना है
और जब डिस्प्ले रूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लोकेशन क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटायर साइट सेलेक्ट करेंगे और जस्ट पब्लिश बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है एडसेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा गूगल एडसेंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कोड डाल दिया यहाँ पे, पब्लिश कर देना। अब आपको अगर आप कोई और थीम यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ना, प्लगइन्स में जाना है और आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। एड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है और आपको इंस्टॉल कर लेना है एड इंसर्टर। यहाँ पे एड इंसर्टर आपको यूज करना है। अब एड इंसर्टर जब आप लिखोगे तो ये प्लगइन आ जाएगा, देख सकते हैं। इसको आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद अब आपको सेटिंग में आओगे तो एड इंसर्टर यहाँ पे मिल जाएगा और एड इंसर्टर पे आपको क्लिक कर देना है। एड इंसर्टर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कोड हमने ऑलरेडी डाला था तो इसे अभी रिमूव करना है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के आइकन पे जब क्लिक करोगे ना तो आपको हेडर का ऑप्शन दिखेगा और इस हेडर के अंदर जो कोड आपने एडसेंस से कॉपी किया है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए एक बटन है, इसे इनेबल कर देना है ताकि ये कोड एक्टिव हो जाए। PHP भी इनेबल कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद सेव सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही सेव सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा और आपका हेडर में ये कोड पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हेड सेक्शन के अंदर आप ये कोड डालोगे प्रॉपरली, चाहे आप कोई भी थीम यूज करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड। अब आते हैं अपने एडसेंस में। अब हमने अपना कोड पेस्ट कर दिया, अब हम वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे कि हमारा कोड सही जगह पे पेस्ट हुआ है या नहीं। वेरीफाई बटन पे क्लिक करते, सॉरी ये चेक कर लेते हैं पहले, आई हैव प्लेस्ड द कोड एंड वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये वेरीफाई करेगा, देखिए योर साइट इज वेरीफाइड। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, देखिए हमारा ओनरशिप जो है वो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिक्वेस्ट रिव्यू पे हमें क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर दिया और देखिए रिव्यू रिक्वेस्टेड, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप गूगल एडसेंस के लिए प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब ये तो अप्लाई हो गया, अब आपको क्या करना है ना, आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ना एक ऐड प्लेस कर देना है। अब ऐड कैसे प्लेस करोगे, एड्स पे क्लिक कर देना है। एड्स पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको एक ऐड यूनिट जनरेट कर लेना है या ऑटो ऐड को ऑन कर देना है, इतना काम करना है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या ऑटो ऐड्स ऑफ है, हम ऐड यूनिट से एक जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले एड्स पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऐड यूनिट का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं होम ऐड, ठीक है, होम ऐड दे देते हैं और रिस्पॉन्सिव रहेगा क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद कोड को हमें कॉपी कर लेना है, इस कोड को हमने कॉपी किया। अब अपने वर्डप्रेस साइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम थ्री ब्लॉक थ्री में इसे पेस्ट कर देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज पे शो हो और पोस्ट में हम बेसिकली अभी नहीं चाहते हैं, हाँ चलिए पोस्ट में भी कर देते हैं, पोस्ट में भी शो हो और होम पे हो और ये हमारा बिफोर, ठीक है, बिटवीन पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, बिटवीन पोस्ट, दो पोस्ट के बाद हमारे ये ऐड दिखे और सेव सेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एड्स जो है वो प्लेस हो जाएगा। अब आप एडसेंस के अंदर आओगे और यहाँ पे डन कर दोगे। तो इस तरह से प्रॉपरली आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और होम पे जाओगे और इसे एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी कनेक्टेड साइट में एक साइट कनेक्टेड दिखाएगी। तो यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे एडसेंस थोड़ा धीरे लोड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइट कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से बेसिकली आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए ब्लॉगिंग SEO से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद।